अगर आप भी एक ही तरह की सब्जी खा के बोर हो चुके हैं तो आज आपके लिए बिल्कुल अलग रेसिपी। आज हम बनाएंगे पापड़ आलू की सब्जी। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो बॉयल आलू लिए हैं, इनको आपने कद्दूकस कर लेना है, मैश नहीं करना है। देखिए इस तरह से आप इनको कद्दूकस कर लीजिए। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें एक छोटा चम्मच ऑयल ऐड करना है। जैसे आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, आपने एक छोटा चम्मच इसमें कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा डालना है और इसके साथ में थोड़ी सी हींग डालेंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे मसाले में। फिर मसालों को आपने मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर पका लेना है। एक छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और एक छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटी हरी मिर्ची ऐड करनी है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, अदरक और मिर्ची को भी आप थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। फिर आपने इसमें मसाले डालने हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर है कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर, थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। मसालों को सिर्फ ऑयल के साथ आपने मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा पकाएंगे मसालों में कड़वा टेस्ट आ जाता है। इसके साथ साथ में आपने इसमें कद्दूकस किए हुए आलू भी डाल देने हैं और गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। साथ में आपने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करना है और आधा छोटा चम्मच आप इसमें चाट मसाला पाउडर या आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए और आलूओं को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए मसालों के साथ में। पकाने की जरूरत नहीं है, अगर आप आलूओं को पकाएंगे उससे क्या होता है आलू ना गीले हो जाते हैं। सिर्फ आपने मसालों के साथ इनको मिक्स करना है, देखिए इस तरह से। तो ओके, हमारा स्टफिंग का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। लास्ट में अगर आपके पास धनिया है थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और इसको भी मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपने मसाले को एक प्लेट में निकाल लेना है और इसको ना ठंडा होने देना है। इसके बाद आपको पापड़ चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने देखिए मसाला पापड़ लिए हैं, बड़े वाले पापड़ का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास बड़े पापड़ ना हो छोटे पापड़ का यूज़ भी आप कर सकते हैं। एक पैन में आपने थोड़ा सा पानी ना गुनगुना कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ पानी को गुनगुना कर लीजिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने पापड़ लेना है और पापड़ को पानी के अंदर डाल देना है, देखिए इस तरह से। ज़्यादा देर नहीं रखना है, देखिए एक साइड से पापड़ को भिगोने के बाद आपने इसको दूसरी साइड को पलटी करना है, दूसरी साइड से भी आपने इसको भिगो लेना है और इसके बाद आप इसका पूरा पानी निकलने दीजिए। इसके बाद आपने पापड़ को किसी कपड़े के ऊपर रख देना है और इसमें जो पानी है उसको आपने सूखने देना है 2 मिनट तक। और 2 मिनट के बाद आप इसके अंदर ना स्टफिंग कर सकते हैं। देखिए पापड़ हमारा अच्छे से सूख चुका है, नरम हो चुका है, तो पापड़ को ना नरम करना जरूरी है, फिर आप इसको अच्छी तरह फोल्ड कर पाएंगे। और के देखिए जो मसाला हमने बना के रखा था वो मसाला आपने इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पे इस तरह से। और जैसे हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आपने देखिए फोल्ड करना है पापड़ को। एक साइड से फोल्ड कीजिए और इसके बाद आप इसको दूसरी साइड से फोल्ड कीजिए और आगे आपने पापड़ के ना हल्का सा पानी लगा देना है ताकि जब हम पापड़ को फोल्ड करें अच्छी तरह से पानी से चिपक जाए। और इस तरह से बड़े आराम से आपने पापड़ को फोल्ड करना है, फोल्ड करते करते आप इसको बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप सारे के सारे पापड़ स्टफ कर सकते हैं, इनको रोल कर सकते हैं। जो पापड़ रोल है ना, ये स्नैक्स में भी बना के सर्व किए जाते हैं। और के देखिए जल्दी जल्दी आपने सारे के सारे पापड़ स्टफ कर लेने हैं और इसके बाद हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा ही ऑयल डालना है आपने इसमें, ज़्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है इनको शैलो फ्राई करने के लिए। और जैसे ऑयल आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें स्टफ किए पापड़ रख देने हैं, देखिए इस तरह से। आप इनको डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट करना चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आराम से आपने लो फ्लेम में इनको पकने देना है। एक साइड में जैसे कलर आ जाएगा इनको पलटी कर दीजिए और जैसे आपने दूसरी साइड में कलर आएगा फिर से इनको पलटी कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आपने इनको शैलो फ्राई कर लेना है, अच्छा कलर आने तक इनको आपने पका लेना है। तो सारे के सारे रोल देखिए मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है, तो मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीस काटे हैं, आप इनके छोटे पीस करना चाहें तो छोटे पीस भी कर सकते हैं। अब हम इनकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो ग्रेवी बहुत ही आसान होती है इनकी बनाना। एक कढ़ाई में आपने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करना है, ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा इसके बाद आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना आधा छोटा चम्मच और जैसे जीरा तिड़क जाए इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। तो 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक काट के ऐड किया है। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, प्याज को आपने हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। ये देखिए प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर आपने एक छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। मीडियम टू लो फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो खत्म हो जाए। तो पेस्ट भी पक चुका है। इसके बाद एक छोटा चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है और एकदम लो फ्लेम में बेसन को भी पका लीजिए। बेसन से क्या होगा, आपकी ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आएगी और ग्रेवी भी थोड़ी बढ़ जाती है बेसन से। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करने हैं। तो एक बड़ा टमाटर लेता है जिसको मैंने यहाँ पे बारीक काट के ऐड किया है। आप चाहे टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं।
आधा छोटा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है, लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया मैंने तीखे वाली, एक छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है और थोड़ी सी रोज की कसूरी मेथी भी ऐड करते हैं। और साथ में इसमें आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। मसालों को अच्छी तरह से टमाटरों के साथ मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम में मसालों को भी थोड़ी देर आपने भून लेना है यहाँ पे। तो जैसे आप मसालों को टमाटरों के साथ भूनेंगे थोड़ी देर के बाद मसाले बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है, क्योंकि मसालों को भूनने के बाद ना उनको सॉफ्ट करना जरूरी होता है। तो अब आपने मसालों और टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक ये पकने के बाद अच्छी तरह से ना ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं टमाटर गल चुके हैं, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। फिर आपने इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दही ऐड करना है। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के डालना है, अच्छी तरह से फेंट के डालेंगे आपकी दही कर्डल नहीं होगी, उसके लम्स नहीं बनेंगे। और ये देखिए दही को भी तब तक पका लीजिए जब तक दही भी पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे, तभी दही का अपना जो टेस्ट होता है ना वो खत्म हो पाता है। फिर आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जो ग्रेवी है ना पापड़ की सब्जी की, ये थोड़ी सी आपने पतली रखनी है, ज़्यादा थीक नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम इसमें पापड़ डालते हैं ना वो ग्रेवी को सोक कर लेते हैं। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, गर्म मसाला डालना चाहिए थोड़ा सा आप गर्म मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको सर्व कैसे करना है, इसको बाउल में निकाल लीजिए और जो पापड़ हमने काट के रखे थे ना उनको आप ग्रेवी के ऊपर से डाल दीजिए। पापड़ को आपने ग्रेवी के साथ पकाना नहीं है, पकाएंगे तो आलू जो इनके निकल जाएंगे और ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।